भाजपाइयों से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? इस देश की मीडिया की हिम्मत नहीं है कि भाजपाइयों से जाके सवाल पूछे, उनके आंख में आंख डाल करके सवाल पूछे। तीन मैं जानता हूँ, गिनवा नहीं, इस देश में 500 किस्म की रामायण है। जो आपको अलग जितनी पता है उतनी गिनवा दो, आपको जितनी पता है उतनी गिनवा दो, मैं जितनी जानता हूँ उतनी गिनवा दूंगा। सवाल बीजेपी का यही, हनुमान जी जिनके भक्त है उनका मंदिर बन रहा है। अरे भाई साहब, चंदा चोरी करके राम जी के भक्त, भाजपा की योजना है तैयार, सारे नौजवान और सारे अग्निवीर होंगे भाजपा ऑफिस के बाहर चौकीदार। ये सरकार इस देश के किसानों की फसल बर्बाद कर रही है, इस देश के नौजवानों की नस्ल बर्बाद कर रही है, और जिस तरीके से अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम लेकर के आए हैं इस देश के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। काम राम की भी सुरक्षा खतरे में है और रहीम की भी सुरक्षा खतरे में है। इनकी सरकार में राम की भी शिक्षा खतरे में है और रहीम की भी शिक्षा खतरे में है। मोदी जी मन की बात जनता से करते हैं और धन की बात अपने मित्रों से करते हैं, वोट की बात जनता से करते हैं और नोट की बात अपने मित्रों से करते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज वो कह रहे हैं कि मैं नहीं टिकने दूंगा, देश के सारी सरकारी संपत्तियों को अपने मित्रों को बेच दूंगा। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर में मुझे खास व्यक्ति मिले हैं। रवि पांडे नाम है, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इनके बारे में काफी मैंने सुना है और खुलकर मुखर होके हर मुद्दे पर बात करते हैं। रवि जी, मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी जो है आपकी पार्टी, हमेशा बीजेपी को बदनाम करने में क्यों लगी रहती है, कि हमेशा मोदी जी को बदनाम करने में क्यों लगी रहती है? देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी को बदनाम करने में नहीं लगी है। इस देश में दो नेता हैं और दोनों नेताओं का अलग अलग परसेप्शन है। देश के जो प्रधानमंत्री है और केंद्र सरकार है, उनका मुख्य मकसद है कि अडानी को नंबर वन बनाना है। अच्छा। और हमारे नेता केजरीवाल जी का मुख्य मकसद है कि देश को नंबर वन बनाना है, इंडिया को नंबर वन बनाना है। अडानी की समस्या क्या है? वो भी देश के वासी हैं, वो दूसरे नंबर के रिचेस्ट इंसान बन गए, तो हिंदुस्तान का तो नाम होगा। देखिए, जो सवाल है कि सेकंड नंबर के बने हैं तो कैसे बने हैं? जो व्यक्ति 8 साल पहले 818वें नंबर पे था, वो व्यक्ति 623 कैसे आए? वो कैसे आए? आज 500 जो टॉप की 500 कंपनियां हैं, उनमें से एक भी कंपनी उनका नहीं है जिसमें वो 500 में हो। सारे इस देश के लोन के पैसों से, देश के जनता के पैसों से, देश के गरीबों के पैसे को टैक्स का जो नजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे हमारी परेशानी कहां हो रहा है? टैक्स का नजायज इस्तेमाल, थोड़ा डेटा में बात करते हैं, डेटा में बताइए। इस देश के अंदर जिस तरीके से 12.5 लाख करोड़ रुपए उनके राइट ऑफ कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? किसका राइट? राइट ऑफ करने का मतलब माफ करना नहीं होता है, राइट ऑफ करने का मतलब होता है ये बैड लोन्स हैं, इनको हम रिकवर करने में हमें परेशानी होगी पर कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है जिससे हमें रिटर्न नहीं आ रहा होता, वो डेड एसेट नहीं है। नहीं नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। आपने क्या पढ़ाई करी? जिस प्रकार से मैंने बीकॉम किया है, जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों के अंदर देश के गरीबों के, देश के किसानों के, देश के मजदूरों के, देश के छात्रों को परेशान किया जा रहा है। कल तक जिनका नारा था कि हम हर साल इस देश में 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज कह रहे हैं कि रोजगार मांगोगे तो लाठी डंडे मार देंगे। कल तक जिनका नारा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज वो कह रहे हैं कि मैं देश नहीं टिकने दूंगा, देश के सारी सरकारी संपत्तियों को अपने मित्रों को बेच दूंगा। कल तक जो कह रहे थे, कौन कौन संपत्ति बेच दी? जो कल तक ये कह रहे थे कि मैं देश को सुदृढ़ देश बनाऊंगा, देश को विकसित देश बनाऊंगा, आज क्या हालत कर दिया? हंगर इंडेक्स में हमारी हालत क्या है? हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी हालत क्या है? सही बात। ये देश के प्रधानमंत्री आए थे, और इनकी नीति पर, इनकी नियत पर मुझे गालिब की एक शायर याद आ रही है कि बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। 2 करोड़ रोजगार का वादा था। ये बहुत बहुत, ये शेर आपका बहुत सेक्सिस्ट है, आज के मुताबिक में चलेगा नहीं ये। देखिए, 2 करोड़ इनका वादा था हर साल। बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर ने सदन में कहा है कि 22 करोड़ युवाओं ने रोजगार मांगा, हम सिर्फ आम आदमी पार्टी ने कितने रोजगार बांटे दिल्ली में और पंजाब में? दिल्ली के अंदर देखिए, पंजाब में तो अभी हमारी 6 महीने पहले सरकार बनी है, 6 महीनों के अंदर पंजाब में जितने काम हुए, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी सत्ता में बैठे लोगों ने काम किया होगा। ये इच्छा शक्ति चाहिए कि पंजाब के अंदर एक विधायक को एक पेंशन लेने के लिए हमारी सरकार ने नीति लेके आई। आज भगवंत मान जी ने आदेश दिया है कि भगवंत मान जी की सरकार आते ही पंजाब में एक इतनी बड़ी घटना घटी कि पूरा देश हिल गया। एक बड़ी बड़ी फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर जाती है, क्या ये आपकी विफलता नहीं है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या ये विफलता नहीं है? हाँ या ना बता दीजिए। जो लोग 74-75 सालों से पंजाब की सत्ता पर राज कर रहे थे, ये उनकी विफलता है कि उन्होंने गुरबों को पाला, उन्होंने गुंडों को पाला, उन्होंने मवालियों को पाला। आपको पता होते ही आपने सिक्योरिटी हटा दी? नहीं नहीं, सिक्योरिटी हटी नहीं है, उनके पास 4 सिक्योरिटी थी पंजाब पुलिस की। वो उस दिन सिक्योरिटी लेकर नहीं चले, वो उस दिन अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर नहीं चले। मतलब उनकी गलती है कि वो मारे गए। सुनिए, आप सुनिए,
अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या हुई, हमारी सरकार ने वहाँ एक्शन लिया, हमारी सरकार ने उन गुरबों को सुरक्षा नहीं दिया, हमारी सरकार ने उनको संरक्षण नहीं दिया, हमने उन पर एक्शन लिया। और पंजाब में 3 महीने के अंदर सरकार बनने के बाद हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने यह घोषणा की कि हम पंजाब में पानी और बिजली फ्री कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो काम पिछले 6 महीनों में करती है, वो आम आदमी पार्टी ने वो काम स्टार्टिंग के 6 महीनों में किया है? और आज जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का नजायज दुरुपयोग इस देश के अंदर हो रहा है, सीबीआई और ईडी का नजायज प्रलोभन इस देश के अंदर किया जा रहा है, जिस तरह से गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी की इतनी जनाधार बढ़ रही है, उनकी जनाधार का इतना लोग, भाजपा के लोग इतने परेशान हो गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मोदी जी मन की बात जनता से करते हैं और धन की बात अपने मित्रों से करते हैं? अच्छा। वोट की बात जनता से करते हैं और नोट की बात अपने मित्रों से करते हैं? ये अच्छा। कैसे ये देश चलेगा? 8 सालों में इन्होंने कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। हिंदुओं के बारे में तो सोच रहे हैं मोदी जी, बीजेपी हिंदुओं के बारे में तो सोच रही है, आप हिंदू नहीं है क्या? ये किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। हाँ। इस देश में इनके सत्ता में राम की भी सुरक्षा खतरे में है, राम की भी सुरक्षा खतरे में है और रहीम की भी सुरक्षा खतरे में है। हाँ। इनकी सरकार में राम की भी शिक्षा खतरे में है और रहीम की भी शिक्षा खतरे में है। जब इस देश में किसान 1.5 वर्षों तक सीमा पर डटे रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर, उनकी फसल बर्बाद हुई। ये सरकार इस देश के किसानों की फसल बर्बाद कर रही है, इस देश के नौजवानों की नस्ल बर्बाद कर रही है। और जिस तरीके से अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम लेकर के आए हैं इस देश में, इस देश के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन नौजवानों ने तो 7 लाख नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा। नहीं, ये तो उनकी विफलता है। इतनी प्रचंड बेरोजगारी है भाई साहब, इतनी प्रचंड बेरोजगारी है, ये आज कुछ भी लेके आ जाए नौजवानों की मजबूरी हो गई है। 4 साल के अग्निवीर लेके आए हैं, अभी परसों इन्होंने बीसीसीआई का जो नियम था 3 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया। भाजपा की योजना है तैयार, सारे नौजवान और सारे अग्निवीर होंगे भाजपा ऑफिस के बाहर चौकीदार। ये कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, महिलाओं को, सबके खिलाफ काम कर रहे हैं। और इनकी सरकार में आप देख लीजिए महिलाओं के साथ क्या हाल है। अभी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसी को उठा करके देख लीजिए। तो ये किसी के नहीं है, ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये सिर्फ अपने दोस्तों के हैं, चंद पूंजीपति मित्रों के हैं, उनके अलावा ये किसी का नहीं है। इनका नारा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन पांडे जी सुनिए, अब यह बात बताइए कि आप तो हिंदू हैं, ऊपर से ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो देश में मंदिर बन रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप खुश नहीं होंगे, पंडित जी खुश नहीं होंगे तो कैसे होगा, चलेगा देश, बताइए। मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं एक मिनट, मेरी बात सुनिए। हां, पंडित जी है ना, मेरी बात सुनिए। मैं जिस पार्टी से हूँ, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और इस देश के नौजवानों को सुदृढ़ बनाने की लड़ाई है। कैमरे पे बोलने के लिए अच्छी बात है। मंदिर और मस्जिद के लिए हम नहीं लड़ते हैं। जो आप बोल रहे हैं कैमरे पे सुनने के लिए अच्छा है। जो लोग मंदिर और मस्जिद की लड़ाई करते हैं, आप उनसे जाकर के पूछिए। हमारी लड़ाई शिक्षा है, हमारी लड़ाई स्वास्थ्य है, हमारी लड़ाई मोहल्ला क्लिनिक है, हमारी लड़ाई इस देश में पानी और बिजली जनता के फ्री करना है, हमारी लड़ाई इस देश को नंबर वन बनाने की है, जो हमारे नेता अरविंद के मंदिर से खुश नहीं होंगे। लेकिन खुशी और ना खुशी की बात नहीं है, खुशी और ना खुशी की बात नहीं है। हम डट, मैं कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद हमारी लड़ाई नहीं है। मंदिर के लिए आवाज नहीं उठाएंगे आप। आपके नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव से पहले हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाते हैं। नहीं तो आज भी हम कर रहे हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। इस देश के तमाम हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी जिनके भक्त हैं उनका मंदिर बन रहा है। अरे भाई साहब, चंदा चोरी करके राम जी के भक्त कौन चोरी कर रहा? चोरी, आपने रिपोर्ट नहीं देखा था क्या पिछले साल? आप बताओ ना यार, राम जन्मभूमि के जो इन लोगों ने चंदा घोटाला किया, इतना बड़ा चंदा घोटाला किया, इसके बावजूद सीबीआई और ईडी की इन पर छापा नहीं मारे गए? इस देश के संविधान और हमारा लोकतंत्र इस चीज की इजाजत देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आस्था के हिसाब से किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकता है। अरविंद केजरीवाल और हनुमान जी के भक्त, तो क्या दिक्कत है भाई इसमें? लोगों को पेट में जिनको दर्द हो रहा है, ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने काम कर रहे हैं। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इनकी पॉलिसी है डाइवर्ट एंड रूल। मुद्दों को भटका करके इस देश के युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। मैं पूछ रहा हूँ, इन्होंने कितना रोजगार दिया? इनका एक नेता कहता है कि पकौड़े तल लो। भाई साहब, 70,000 भाई साहब, भाई साहब, पकौड़े का बिजनेस भी हो गया फेल, 200 के पार गया सरसों का तेल। इस देश का युवा पकौड़े कैसे तलेगा? आप जिस तरीके से बात पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है, ये मैं मानूंगा। ट्रेनिंग एक नंबर देते हैं। आप देखिए, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, आप सवर्ण हैं। मेरी बात पूरा सवाल सुनिए, पहले पूरा सवाल, मेरी बात सुनिए, पहले पूरा सवाल सुनिए, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको, ठीक है? पूरा सवाल सुनिए, उसके बाद बात करेंगे। आप हिंदू हैं, सवर्ण हैं, ठीक है, तो आपको तो मंदिर मस्जिद पे खुश होना, मंदिर पे खुश होना चाहिए ना, कि आपकी संस्कृति को बचाया जा रहा है, जो ब्राह्मणों ने संस्कृति बनाई। श्री राम की कथा सबसे पहले एक शूद्र ने लिखी, ब्राह्मणों ने उन्हें नहीं माना, ठीक है? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं।
वाल्मीकि जी की पूजा आज भी ब्राह्मण करते हैं। आपके घर में वाल्मीकि जी की तस्वीर है? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके द्वारा रचित रामायण को पढ़ते हैं। देख लो, मैं घर पहुंच जाऊंगा आपके। उनके द्वारा रचित रामायण को हम पढ़ते हैं। रामायण को पढ़ते हैं, रामचरित मानस को पढ़ते हैं। रामचरित भाई साहब, रामायण और राम, फर्क नहीं, नहीं फर्क क्या है आप बताओ, फर्क बताओ, आप मुझे बताओ फर्क क्या है। इस देश में तीन तरह की रामायण पढ़ी जाती है। इस देश में 500 तरीके की रामायण है, मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए। गिनवाओ, तीन मैं जानता हूँ, गिनवा। नहीं नहीं, इस देश में 500 किस्म की रामायण है। आपको जितनी पता है उतनी गिनवा दो। आपको जितनी पता है उतनी गिनवा दो, मैं जितनी जानता हूँ उतनी गिनवा दूंगा। सवाल बीजेपी का, यही यही बीजेपी की पॉलिसी है। सवर्ण को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, इन सबको बांट दो, फिर इन पर राज करो। इनकी शिक्षा की नीति को भुला दो, इनके स्वास्थ्य के एजेंडा को छोड़ दो, इनके बिजली और पानी के एजेंडा को छोड़ दो। एक सांसद, एक एमपी को महीने में 4000 बिजली मिलती है, 4000 यूनिट। और वो सांसद संजय सिंह ने वो बिजली छोड़ दी कि नहीं? क्या कह रहे हैं संजय सिंह साहब, आपके सांसद हैं, उनको भी 4000 यूनिट फ्री मिलती होगी, ठीक है? वो देश हित के लिए अपनी बिजली छोड़ दें, वो फॉर्म भर के दे दें कि हमें नहीं चाहिए सांसद को। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के हमारे एक भी विधायक सरकारी सुरक्षा और सरकारी घर नहीं लिया है। आप जाकर के रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, एक एक विधायकों को दो दो सरकारी सुरक्षा मिलती है। हमारी पार्टी के एक विधायक ने नहीं लिया, ये इच्छा शक्ति चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं कि पंजाब में पेंशन को बंद कर दे, वन पेंशन वन रूल लेके आए। हमारे नेता और हमारी सरकार के अंदर इच्छा शक्ति थी, उन्होंने करके दिखाया। अब ये सरकार बीजेपी वालों से पूछिए, जो इनके पेट में दर्द होता है, हम तो जनता को भी फ्री दे रहे हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल के एक ही कहना है कि जो नेता जिस हिसाब से चलेंगे उसी हिसाब से हम जनता को भी सहूलियत देंगे। जिन लोगों को पेट में दर्द है आप उनसे जाके सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? भाजपाइयों से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? इस देश की मीडिया की हिम्मत नहीं है कि भाजपाइयों से जाके सवाल पूछे, उनके आंख में आंख डाल करके सवाल पूछे। यहाँ पर ही पर मोदी जी के जन्मदिन के दिन यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया गया था, पूर्व सांसद आए थे, उनसे मैंने बेरोजगारी, महंगाई पर सब पर सवाल पूछा, माइक देखकर भाग गए। नहीं नहीं भाई, समझे? मैं सबसे सवाल करता हूँ। मैं तो इस मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, जो फोर्थ पिलर है, और जो YouTube चैनल है, उनका तो धन्यवाद देता हूँ कि उनके वजह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा है। नहीं तो बड़े बड़े स्टूडियो में बैठने वाले तो बिक गए। कल हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा कि मोदी जी के मीडिया एडवाइजर बीजेपी के साथ, नेताओं के साथ मिलकर के वहाँ के मीडिया के लोगों को धमका रहे हैं कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल को मत दिखाना, उनको गाली दे रहे हैं। इस प्रकार की नीति और इस प्रकार की नीच मानसिकता पर ये लोग डरते हैं। मोदी जी डरते हैं केजरीवाल जी से? मोदी जी देखिए, लोकतंत्र में और जनतंत्र में जनता डराती है, और जनता ने स्पष्ट कर दिया कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल की जो इनकलाब की आंधी दिल्ली से उठ करके पंजाब गई, पंजाब से वो आंधी गुजरात जा रही है। गुजरात के नौजवानों ने, गुजरात के किसानों ने, गुजरात के श्रमिकों ने, गुजरात के मजदूरों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि 27 सालों का जो उनका तानाशाह का किला था, उनके तानाशाह को किला को ढहाने वाले हैं। 27 वर्षों में के साथ इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन किया। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन किया। कांग्रेस ने, अमित शाह ने, अशोक गहलोत, गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ना हो जाए भाई, सुनिए। और जो हो गया, सुनिए सुनिए, मुस्कुरा रहे हैं, खबर है। अमित शाह जी ने अशोक गहलोत साहब से कहा है, आप हमारे लिए गुजरात छोड़ दो, हम आपके लिए राजस्थान छोड़ देंगे। अच्छा जी, इतनी बड़ी इनके अंदर प्लानिंग चल रही है। और पंजाब चुनाव में बहुत बड़ा उदाहरण है, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि भाई हमें वोट नहीं देना, मत देना, झाड़ू को वोट बंद देना, पंजाब में वोट डाल देना। अब क्या आपको परिणाम चाहिए? अब क्या प्रमाण चाहिए? चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में सारे पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस मिल गई। अब इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या चाहिए? इस देश में एक व्यक्ति को रोकने के लिए, इस देश में एक व्यक्ति के विकास के मॉडल को रोकने के लिए, इस देश में उस व्यक्ति के शिक्षा के मॉडल को रोकने के लिए, इस देश में उस व्यक्ति के जो राम मनोहर लोहिया जी का सपना था कि राष्ट्रपति हो या चपरासी के संतान, सबको शिक्षा एक समान, उस एजेंडा को पूरा करने का काम अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, और भाजपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर के इनके खिलाफ लड़ती है। कभी कांग्रेस ने पूछा है आपने कि भाई जब अग्निपथ इस देश में लाया गया था तो राहुल गांधी की लड़ाई लड़ रहे थे? भाजपा के लोग मित्रों की लड़ाई लड़ते हैं, दोस्तवाद की लड़ाई लड़ते हैं, कांग्रेस के लोग परिवारवाद की लड़ाई लड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल भारतवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश को नंबर 1 बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने ये सारे सवाल सुने, मेरे इनके जवाब भी सुने, और आप पूरी बातचीत से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, पूरा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ नेशनल दस्तक के लिए उदाहरण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।